एमएस ज़ेनोबिया एक स्वीडिश निर्मित चैलेंजर क्लास फेरी थी जिसे 1979 में लॉन्च किया गया था, जो जून 1980 में अपनी पहली यात्रा पर लार्नाका साइप्रस के पास भूमध्य सागर में पलट गई और डूब गई। समुद्र तल 42 मीटर पर है और उच्चतम बिंदु 16 मीटर पर है और दृश्यता 40 मीटर तक पहुंच गई है। एमिस ज़ेनोबिया एक फेरी थी जिसे स्वीडन में माल्मो से टार्टस सीरिया तक कार्गो की एक श्रृंखला वाले 100 से अधिक ट्रैक्टर ट्रेलरों को परिवहन करना था। जहाज ने मई 1980 में अपनी पहली यात्रा शुरू की और ग्रीस से गुजरते समय यह अपने बंदरगाहों, जिसका अर्थ है धीरे धीरे बाईं ओर, जो जहाज नहीं बोलते हैं, के लिए सूचीबद्ध होना शुरू हुआ। समस्या जो गिट्टी के टैंकों में बहुत अधिक पानी डालने से आ रही थी के बारे में सोचा गया था कि जब तक जहाज साइप्रस में नहीं आया और लार्नाका के तट से लगभग 1 मील दूर छोड़ दिया जाना था, जहां यह समुद्र तल पर डूब गया था। लगभग 138 फीट की गहराई पर ज़ेनोबिया 9 जो डूब गई, कुछ लोग रहस्यमय परिस्थितियों में कहते हैं 1980 में अपनी पहली यात्रा पर बड़े पैमाने पर मलबे तब से एक प्रमुख डाइविंग गंतव्य बन गया है, लेकिन आपको इसे देखने के लिए स्कूबा डाइव करने की आवश्यकता नहीं है। पानी इतना साफ है कि आप इसे केवल सतह पर स्नॉर्कलिंग से या यहां तक कांच के तले वाली नाव से भी देख सकते हैं। माल्मो से सीरिया की यात्रा के दौरान जहाज पलट गया। जैसे ही फेरी ग्रीस के पास पहुंची, उसने बंदरगाह पर सूचीबद्ध होना शुरू कर दिया। जाहिर तौर पर कंप्यूटर की खराबी के कारण गिट्टी टैंकों में अतिरिक्त पानी डाला जा रहा था। समस्या के नियंत्रण में होने के कारण जहाज फिर साइप्रस के लिए रवाना हुआ, लार्नाका बंदरगाह में रहते हुए। हालांकि लिस्टिंग की पुनरावृत्ति हुई और कप्तान को आदेश दिया गया कि अगर वो डूब जाए और अन्य जहाजों के लिए खतरा बन जाए तो वो बंदरगाह से नौक को बाहर ले जाए। लंगर अपतटीय सूची में वृद्धि हुई और कप्तान ने जहाज से चालक दल को आदेश दिया। 7 जून 1980 के शुरुआती घंटों में ज़ेनोबिया पलट गया और डूब गया। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार कई चालक दल शांतिपूर्वक बंदरगाह के किनारे बार से ऐसा होते हुए देख रहे थे। इस मलबे के रहस्य का एक हिस्सा यह है कि जहाज के अपने मूल्य और सैकड़ों मिलियन डॉलर के कार्गो के बावजूद कोई जांच नहीं की गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि मालिकों ने कभी भी बीमा लेने की कोशिश नहीं की। नौक लगभग 100 ट्रकों से भरी हुई थी और वाहन और उनका माल अभी भी समुद्र की सतह से 50 से 140 फीट नीचे है। लार्नाका में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग बुक किया जा सकता है, लेकिन द्वीप के दूसरे छोर पर पापहोस में रहने पर भी गोता केंद्र परिवहन सहित निर्देशित यात्राओं का आयोजन करेंगे। लार्नाका बंदरगाह से कांच के तले वाली नाव यात्राएं उपलब्ध हैं। 2 अलग अलग गोता यात्राओं के आधार पर 5 साल अलग मलबे पर मछली का जीवन समय के साथ बेहतर होता जा रहा है, लेकिन मलबे पर गोताखोरों की संख्या अब काफी भीड़ लगती है। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब